वेलकम एक कौन न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया है। वहीं पे आप देखा जाए तो मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा रिलीज होते हुए भी नजर आएंगे। वहीं पे अभी देखा जाए तो उनकी ट्रेड विंडो की भी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि दिल्ली कैपिटल टीम ने उन्हें अप्रोच किया है कि आप दिल्ली कैपिटल की टीम में आ जाइए एज अ ओपनर, या फिर दिल्ली कैपिटल टीम उन्हें कैप्टन बनाने के बारे में भी सोच सकती है। तो ये सारी की सारी अपडेट निकल के आ रही है, तो इन सारी की सारी अपडेट पे मैं आप लोगों को क्लियरिटी दे देता हूँ कितनी सच है कितनी फेक निकल के आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, दिल्ली कैपिटल को क्या रोहित शर्मा की जरूरत है? देखिए, रोहित शर्मा अगर रिलीज होते हैं या फिर ट्रेड होते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई सी भी फ्रेंचाइजी नहीं रहेगी जो उन्हें अपनी टीम में शामिल ना करना चाहे। मेरे हिसाब से पंजाब ने भी उन्हें अप्रोच किया है अभी दिखाया है, तो RCB, CSK, वो इन सबको दिखाया कैप्टन की जरूरत निकल के आ रही है, तो इनमें से कोई भी फ्रेंचाइजी रोहित शर्मा को आराम से अपनी टीम में शामिल कर लेगी। वहीं पे देखिए, क्या रोहित शर्मा अभी आपको ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं? तो देखिए, इसकी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वो रोहित शर्मा ये सीजन तो पूरा का पूरा आप लोगों को मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। अभी तो आपको ना वो रिलीज होते हुए नजर आएंगे, ना ही आप लोगों को ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए मिनी ऑप्शन बहुत ज्यादा दिखाया तो पास आ चुका है, क्योंकि देखिए मिनी ऑक्शन के लिए 2 या 3 दिन रह गए मेरे हिसाब से। वहीं पे देखिए, दिल्ली कैपिटल टीम को अभी अपने मिडिल ऑर्डर की जरूरत को पूरा करना है, वो भी मिनी ऑक्शन से। मेरे हिसाब से ट्रेड करके, तो वो अगर वो ट्रेड कर भी लेते हैं उन्हें रोहित शर्मा को, तो मेरे हिसाब से उनका बजट फिर बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा, और मेरे हिसाब से उस बजट में वो अपने देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को नहीं ले पाएंगे, तो उनका सीजन बहुत ज़्यादा बेकार देखने को मिलेगा। तो अभी रोहित शर्मा तो आप लोग को मुंबई इंडियंस की टीम में देखने को मिलेंगे, वहीं से खेलते हुए भी नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और अगर आपको कहीं पर भी सोशल मीडिया पर ऐसी खबर देखने को मिलती है कि रोहित शर्मा ट्रेड हो चुके हैं, तो देखिए अभी तो आप लोगों को देखने को ऑफिशियली मिलेगा कि ट्रेड विंडो बंद हो चुकी है। अभी तो ट्रेड विंडो ओपन भी नहीं है, तो ये सारी की सारी खबरें जो निकल के आएंगी वो फेक खबरें निकल के आएंगी। तो मैंने वीडियो में सारी की सारी क्लियरिटी आप लोगों को दे दिया कि क्या खबर निकल के आई थी, क्या खबर निकल के नहीं आ रही थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।